मंडिया इन्हीं की जल्दी है। माफ करना सरदार जी, घर जाने की जल्दी है। टिकट प्लीज। आओ मोहन बाबू, अपना हीरा मोती खड़े हैं। पूरे दो बरस में आए हो। अरे दो बरस क्या, 200 बरस कहो, 200 बरस। चल कल्लू, अपने जमीन पर चलने वाले जहाज को हवाई जहाज बना दे। ऐसी तैसी हवाई जहाज की बाबू, अभी पहुंचाए देता हूँ। चलो राजा। ओ गाड़ी वाले भैया, जरा गाड़ी रोकना, हमें रामनगर जाना है। मैया ये गाड़ी रिजवेट है, दूसरी गाड़ी देख ले। यही तो मुसीबत है, कोई गाड़ी नहीं। मेरे साथ तीन बालक हैं, इन्हें ही दया करके बिठा लो। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। कल्लू ऐसा मत कहो। चलो शाबाश, तुम भी चलो। तुम भी शैतान। लाइए माजी, और आप भी बैठ जाइए। नहीं बेटा, तुम बच्चों के साथ आराम से बैठो, मैं गाड़ी के पीछे पीछे चली आऊंगी। ये कैसे हो सकता है, मेरी भी माँ है तुम जैसी। मैं आराम से बैठूं और माँ पैदल चले। बैठिए। ए कल्लू, मेरा सामान घर ले आइयो, तेरी गाड़ी खटा खटा करके आएगी और मैं पैदल फट से पहाड़ी पार करके पहुंच जाऊंगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा,
मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। अरे वाह वाह, क्यों री भाभी तेरे लिए सब कुछ है, है? और मैं कुछ नहीं, बोल। पाए लगूं भैया। जीती दे, कैसी है मेरी नन्नी मुन्नी गुड़िया है? शोभा, मेरे घर की शोभा, मेरे जीवन की शोभा, ठीक हो ना? हाँ, पास हो गए? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? हाँ, तुम खूबसूरती में फर्स्ट क्लास, मैं मैसी में फर्स्ट क्लास। मम्मी, गुटी बेटे, ये तेरे पापा हैं। अरे, दो साल में अपने पापा जी को भूल गई बेटा? पापा जी। मेरी प्यारी गुड़िया, लेकिन राजू बिरजू बिंदु और माँ सब कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं। बाहर नहीं पापा, बिरजू चाचा, बिंदु बुआ, राजू चाचा बीड़ी के कारखाने में काम करने गए हैं। गुटी, और दादी माँ चावल के मिल में काम करने गई हैं। चल गुटी, कुछ भी वक्त देती है, चल। ठीक है, जाओ। लेकिन मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं मुनीम जी को चिट्ठी लिख देता हूँ, वहाँ जाके तनख्वाह ले लो। अच्छा, और मैनेजर साहब, मेरा लड़का मोहन मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना यहाँ जानकी मान के कोई काम नहीं करती। अच्छा, कौन हो तुम? ये मेरे भैया है लाला जी। अच्छा, हाँ, मैं ही इन बदनसीब बच्चों का नालायक भाई हूँ। लाला जी, कल से ये बच्चे काम पर नहीं आएंगे। तुम्हारी मर्जी। शोभा, तुम्हें खत लिखना चाहिए था मुझे कि माँ कुलियों की तरह मजदूरी करने जाती है, जानवरों की तरह जान तोड़कर काम करती है। मेहनत मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं बेटा। जीता रहा बेटा, जीता रहा। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बुझड़ हो, और ये बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करें। मुझे कोई खुशी नहीं हुई अपने पास होने की। तू पास हो गए बेटा, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, तेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पूरी हो गई। बस अब अपने बीबी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह कर इनके, तू तो खुद समझदार है। अगर मैं काम पे न जाती तो तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होती और इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे होता? मोहन, तू आ गया? हाँ दीदी। सुन ली माँ की शिकायत? जब से मैं आई हूँ परिवार बड़ा हो गया है,
मेरे परिवार के लिए माँ काम पर जाती थी। दुर्गा ये क्या कह रही है बेटी? हाँ बेटे के आगे बेटी पीछे सौतेली, आखिर एक चाचा के बच्चे हैं ना, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और एक मैं हूँ। ऐसा मत कहे बेटी, मैं तुझे सौतेली नहीं अपनी बेटी समझती हूँ, और ये तेरे स्वर्गवासी चाचा के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। भगवान जानता है मैं तुम लोगों में अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझी। रहने दो रहने दो, बस एक मैं ही हूँ अकेली। हाँ तुम अकेली क्यों हो दीदी, हम सब हैं, बुध प्रकाश है, जीजाजी हैं। अरे तुम्हारे जीजाजी अगर किसी लायक होते तो क्यों आती मैं यहाँ। मेरी लायकी और नालायकी के पत्ते बाद में खोलना, पहले मुझे मोहन से बात करने दो। नमस्ते जीजाजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या रहा नतीजा राजा? फर्स्ट क्लास जीजाजी। शाबाश। एंड रमी? मुर्गी को सपने में भी दाने, इस रमी और जुए ने मुझे घर से बेघर कर दिया। जिस बुराई को हमेशा के लिए मैंने पैक कर दिया, खाम खा उसकी याद दिलाती है। खैर ये तो इसकी पुरानी आदत है। मोहन अगर आज मेरी पहली जैसी हालत होती ना तो तुझे इतनी शानदार पार्टी देता, इतनी शानदार पार्टी देता के। बच्चों एक समय की बात सुनो, अंधियारी थी रात सुनो, दीपक चोरी हो गया, चांद कहीं पर खो गया, फिर क्या हुआ? चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। आइए सच्ची बैठी। जानकी भाभी बड़ी खुशी की बात है कि आज ही मोहन एमएससी की डिग्री लेकर आया और मैं इत्तेफाक से मकान की कुर्की। ये अमीन साहब हैं, मैं मकान जब्त करने आया हूँ। सच्ची जरा धीरे बोलो, मेरा बेटा खाना खा रहा है। हम तो कुर्की और जब्ती के बाद ही खाना खाएंगे। कैसी कुर्की सेठ जी, कैसी जब्ती? मकान की मोहन बाबू, तुम्हारे मकान को जब्त कराने आया हूँ। लेकिन मकान देकर हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? ये तो कर्ज लेने से पहले तुम्हारे पति और देवर को सोचना चाहिए था। सेठ जी मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, मैं कहीं नौकरी करके आपका पैसा पैसा चुका दूंगा। लेकिन भैया किसी ओहदे पर जाने से पहले मेरा रुपया मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 10,000 रुपया है मेरा, मैं ब्याज के आ गए, सब मिलकर आ गए। सीक्वेंस बिना जोकर, ऐसे गंदे पत्ते आते हैं कि मुंह देखने से जान जल जाती। हाँ हाँ क्यों नहीं, हंस कर लेते हो और देने के नाम नानी मर जाती है। हमारा मुंह देखने से तकलीफ होती है। हमारा पैसा मुंह पर फेंक के मारो, फिर तुम्हारे यहाँ थूकने भी नहीं आएंगे। माँ ये भी? हाँ बेटा। माँ इस घर को बेचकर सबका रुपया चुका दो। घर कैसे बेच सकते हो, ये मेरे पास गिरवी है, जब्ती लाया हूँ इस मकान पर। किसके मकान पर जब्ती लाए हो सेठ? ये मेरे बाप दादा का नहीं, मेरी माँ की तरफ से आया है। हाँ तुम चुप रहो दुर्गा, इनके पास सीक्वेंस भी और जोकर भी। आग लगे इनके चिकुए ना जोकर को। आग तो इस घर को तुम्हारे बाप और चचा लगा चुके हैं, अब तो ये बेचने से ही बुझ सकती है। अरे जा जा, देखती हूँ तू कैसे बिकवाता है मकान। चलो बेचने के लिए मैं आया है। बड़ा आया बिकवाने वाला। हाँ।
सेठ जी, आप मोहन के पिताजी के दोस्त हैं। जब तक वो जिंदा थे आपने मुझे भाभी कहकर बड़प्पन दिया था। अब इतना बड़प्पन और दो, इस घर को खुद ही खरीद लो। ऐसे ही कीजिए सेठ जी, आपका भी ऋण उतर जाएगा और इनका कर्ज भी। ठीक है, कल बात करेंगे। चलिए अमीन साहब, आप लोग भी कल दोपहर को यहाँ आ जाइए और अपने कागज पत्र साथ लेते आइए। एक उपकार और कीजिए सेठ जी, जब तक मुझे कहीं नौकरी मिले मेरी माँ पत्नी और भाई बहनों को इसी घर में रहने दीजिए। नौकरी मिलते ही मैं इन्हें अपने पास बुला लूंगा, सिर्फ एक दो महीने के लिए। हाँ हाँ, एक दो महीने शौक से रह सकते हैं, लेकिन बाद में कोई झंझट नहीं होगा। हाँ, कोई झंझट नहीं होगा सेठ जी। ठीक है, ये लो फारगती के कागजात, मेरे भी और इनके भी, इन्हें रुपया मैं दे दूंगा। चलो भाई। माँ तुम रो रही हो? पुरखों की जायदाद में से यही एक घर बचा था, वो भी बेच दिया। यही ना, आज हम बेच रहे हैं, कल को शायद नया मकान बनाएंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही बंबई जाऊंगा और कोई नौकरी तलाश करके तुम सबको वहीं बुला लूंगा। नया जीवन शुरू करूंगा, सुधा की शादी करूंगा, राजू और बिरजू को खूब पढ़ाऊंगा। नया उत्साह, नई जिंदगी। बहुत ही गरजमंद मालूम होते हो। जी हाँ, बहुत बड़ा परिवार है और मैं बेकार हूँ, मुझे हमदर्दी है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे अफसोस है, उस जगह मेरे बॉस के भतीजे का साला पॉइंट हो चुका है। तो फिर ये वॉन्ड निकालने की क्या जरूरत थी? खाना पूरी के लिए। आई एम वेरी सॉरी। किसी की सिफारिश लाए हो? जी मैं एमएससी हूँ, फर्स्ट क्लास। यहाँ तो रोजी एमएससी फर्स्ट क्लास आते हैं। सॉरी, बगैर सिफारिश के मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब लोग रिश्तेदारी और सिफारिश से ज्यादा गुणों की कदर करेंगे। जरूर आएगा वो दिन, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। सर, एम्बुलेंस का फायदा उठाना चाहते हो क्या? कौन? मोहन? मनोहर, मनोहर। बहुत दिनों के बाद मिला यार, लेकिन ये तूने हालत क्या बना रखी अपनी? मैंने नहीं, बेकारी में, हालात में। तुझे मालूम था मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरे पास क्यों नहीं आया? यही सोचकर कि अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, बुरे दिनों में दोस्त भी दोस्त को पहचानने से इनकार कर देता है। कैसी बात कर रहे तू? जी चाहता एक लगा दे। लगा ले, लेकिन यार कहीं नौकरी से भी लगा दे। इस रूप में कौन देगा तुझे नौकरी? पहले घर चल, तुझे बनाऊंगा, संवारूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन नहीं देता नौकरी। चल। घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस घर की रानी कहाँ है?
मेरा मतलब तुम्हारी रानी। देखोगे? हाँ हाँ, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जनाब को अभी तक शेर व शायरी का शौक बाकी है? मोहन, ये मेरा छोटा भाई नरेंद्र है। अरे ये तो बहुत अच्छा शिल्पकार है भाई, कहां से सिखा ये सब तुमने? मोहन, ये जन्म से ही गूंगा है। क्या? लेकिन बोलने वाले के होंठों को देखकर उसकी बात समझ लेता है। बहुत खूब। जब ये छोटा सा था तभी हमारे माता पिता स्वर्गवास हो गए, अब मैं ही इसके लिए सब कुछ हूं और यही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ हाँ, यहीं खाएंगे और रहेंगे भी यहीं। जाना जल्दी से खाना बना जी। अच्छा कितना भोला भाला है, कितना प्यारा है। अरे बुद्धू, तेरे पास जोकर है? है? तो फेंक दे। अरे वाह, आए हाय, बच्चे को पत्ते खेलना सिखा रहे हो? कैसी बात करती हो, मैं तो उसे पत्ते फेंकना सिखा रहा था। कुत्ते की दुम को 100 बरस नल्ली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। लो लड्डू खाओ। अरे वाह लड्डू, लेकिन दुर्गा घर में दूसरे बच्चे भी हैं, उन्हें भी दिया हो ना, बेचारे रोज सत्तू पर गुजारा करते हैं। सदा व्रत नहीं लगा रखा है मैंने जो सबको बांटती फिर। तुमको खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ भाड़ में, असली घी के हैं। मामा मामा, मेरे लड्डू तो देती जाओ और बापू के भी, हम दोनों साथ खाएंगे। लो चुपके से खा लेना। बापू ये लो मेरे भी लड्डू और चुपके से उन लोगों को दिया। अरे वाह मेरे चिड़ी के राजा, क्या आइडिया है तेरा। असली घी का है। अगर तेरी माँ आ गई तो? चिंता मत करो, मैं इशारा कर दूंगा। अच्छा अरे गुड्डी बेटी क्यों रो रही हो? पापा जी मैं रो रो, सत्तू पीने को देती है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ मत पी सत्तू, ले लड्डू खा। लड्डू? हाँ ले बीजू, ले राजू और ले बीजू। लड्डू कहाँ से लाएगी? अरे धीरे बोल, ले तू भी खा। चूहे भाग बिल्ली आई, 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 चूहे भाग बिल्ली आई। दोस्तों इस फेयरवेल पार्टी के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं दिल की बीमारी के बारे में अमेरिका से खास तजुर्बा हासिल करके लौटूंगा। अगर मैं अपने तजुर्बे से एक भी मरीज के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सका तो अपने को धन्य समझूंगा। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबसे अपने दोस्त मिस्टर मोहन का परिचय कराता हूं। मिस्टर मोहन ने पढ़ाई में एमएससी की डिग्री हासिल की और इंसानियत में इससे भी ऊंची डिग्री पाई है। ये अपनी खुश मिजाजी और जिंदा दिली से लोगों के बुझे हुए दिलों में एक नई चमक पैदा कर देते हैं, दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। मेरे दोस्त मिस्टर मनोहर ने मेरे बारे में बहुत बड़ा चढ़ा करके दिया। इस मौके पर मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन मैं नुमाइश में हंसी का फवारा देखने चला गया। वह बहुत से शीशे लगे हुए थे लेकिन मजे की बात यह थी कि हर शीशे में मुझे अपनी सूरत मुख्तलिफ नजर आती थी। किसी में लंबी तो किसी में छोटी, किसी में एकदम मोटा तो किसी में दुबला, किसी में नाक चपटी तो किसी में आंख टेढ़ी। तो बात यह है साहब, दिल भी एक आईना है जो अपने गुणों से सामने वाले को पेश करता है। साधु को हर शख्स साधु नजर आता है
और शैतान को शैतान। मेरे दोस्त को अपने दिल के आईने में हर इंसान अपने जैसा नजर आता है। बेस्ट ऑफ लक मनोहर। थैंक यू डॉक्टर। मोहन आप हैं डॉक्टर शेखर, मेरे दोस्त, मेरे हमराज, ये तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। आइए राय साहब। आप हैं राय साहब कमल राय, इस शहर के दरिया दिल रईस, सबके दोस्त, सबके हमदर्द। मिस्टर मनोहर, एक्सक्यूज मी। बहुत खुशी हुई आपके दर्शन करके। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी। गुस्ताखी माफ, मैं मिस्टर सुंदर हूँ, ये राय साहब हैं, ये मेरे पार्टनर हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं इनका पार्टनर हूँ 50% का। ये हर तरह से सुंदर, जब दो आदमी बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ओके, नहीं बोलते, जाते हैं। मिस्टर मोहन, कल शाम को अगर तकलीफ ना हो और वक्त मिले तो आप जरूर आके हमें मिलिए। ये रहा हमारा कार्ड, तो हम उम्मीद करें आप आएंगे, भूलेंगे तो नहीं। जी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, और मोहन तुम और लोगों से मिलवा देते। एक्सक्यूज मी प्लीज। देखो देखो, किसकी तस्वीर है? है किसी की? कहीं दिल के आने वाले की तो नहीं? उसी की समझ में। फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अभी नहीं, क्योंकि जिसकी ये तस्वीर है उसे भी ये मालूम नहीं कि वो इस बटवे का खजाना है। अरे मैं लूट नहीं लूंगा भाई। वो तो मैं जानता हूँ, वक्त आने पर। लेकिन मैं वक्त हो गया, नौकरी मिलते ही बीवी बच्चों को यहाँ बुला ले। लेकिन नौकरी मिले तब ना। अरे आज नहीं तो कल नौकरी मिली जाएगी। अरे भाई चलो, बातें करते रहोगे तो प्लेन उड़ जाएगा। अच्छा, ऑल द बेस्ट। सैंडी, माफ करना मिस्टर मोहन, पूजा में देर हो गई। वो कहावत है ना, ओले पड़ने पे गंजा टोपी की तलाश करता है, इसी तरह दुखी होने पे इंसान भगवान से मदद मांगता है। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सच तो ये है, तुमसे मिलने के बाद कुछ आशा बन गई है। जी, बात ये है कि हमें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। सेक्रेटरी की? हाँ, जो हमारे कारोबार को अच्छी तरह संभाल सके। अगर आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन ड्यूटी जरा सख्त है, यूं समझ लो कि अपना सारा वक्त हमें देना होगा, खाना पीना सोना सब कुछ है। जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। वेरी गुड। लेकिन तुम शादीशुदा तो नहीं? इसमें शर्माने की क्या बात है? समझ गए, हमने सोचा था एक आदमी। नहीं नहीं राय साहब, मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी नहीं हुई, हमारा भी यही ख्याल था। बैठो बैठो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई? आओ 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 राजन। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये एक चेक है सर। मिस्टर राजन, हमने मिस्टर मोहन को बतौर अपने सेक्रेटरी के रख लिया है। ओ, और आप हैं हमारे वर्क्स मैनेजर। राजन, सॉरी सर, कल से हमारा निजी काम यही देखा करे। जी जी, यस सर। मिस्टर मोहन, आज से हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तनख्वाह जो तुम चाहोगे हम देंगे। थैंक यू सर। कारोबार के अलावा तुम्हें हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपका ख्याल तो मैं रखूंगा राय साहब। थैंक यू माय सर। तुम अपना ख्याल रखो। मेरा ख्याल? मेरा ख्याल आप रखेंगे, क्योंकि मरते वक्त पिताजी ने कहा था पिताजी ने के बेटे सुंदर, अब तेरे सरपरस्त सिर्फ राय साहब हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो राम सर रामदास। ये लो। क्या है? ईश्वर लेटर, मोहन ने रुपये भेजे। अच्छा।
ला मुझे दो। तुम्हें क्यों, मैं माता जी को दूंगा। माता जी, अरे अरे अरे, मुंह को ताला लगाओ, ला मुझे दो, जो कुछ कहना मैं कहूंगी। अरे देखने दो, कितने रुपया रे दुर्गा, ठहरो दुर्गा। बारे में किसी से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, मैं खा नहीं जाऊंगी, घर में ही खर्च करूंगी, समझे? हाँ, तुम खाओगी लड्डू और दूसरों को खिलाओगी सत्तू। क्या कहा सत्तू? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये नक्शा पास हो गया है, अगर आप कहें तो इसी हफ्ते में इसका काम शुरू कर दिया जाए। जैसा तुम मुनासिब समझो। राय साहब, राय साहब, राधा, राधा स्विट्जरलैंड से आ रही है। क्या, हमारी बेटी आ रही है? हाँ। क्यों डॉक्टर, वो ठीक है ना? वहाँ के डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है? उनकी भी वही रिपोर्ट है जो यहाँ के स्पेशलिस्ट ने बताया था, यानी राधा की दिल की बीमारी सिर्फ उसकी भावना है, उसे मानसिक इलाज की जरूरत है। इसका मतलब हमारी बेटी वैसी ही है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं राय साहब, हम उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप फिक्र न करें राय साहब, राधा को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए नाचूंगा गाऊंगा, और हाँ, परसों उसका बर्थडे है, अरे वाह, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा। हेलो जी, हाँ है डॉक्टर साहब, आपका टेलीफोन। राय साहब, आपने आज तक अपनी बेटी के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या कहते मोहन, उसके बारे में कुछ कहना अपने दिल के घाव दिखाना था। उन्हें दिल की बीमारी कब से हुई? 2 साल हुए राधा की माँ ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारे पत्थर दिल ने उनकी मौत का गम बर्दाश्त कर लिया, मगर राधा का नाजुक दिल उस सदमे को बर्दाश्त न कर सका, और वही सदमा हमारी बच्ची के दिल की बीमारी बन गया। कितना शौक था उसे नृत्य, कविता और संगीत का। दुखी न होइए राय साहब, डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो जरूर ठीक हो जाएगी। अगर इस उपचार में मैं आपके कुछ काम आ सका तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। थैंक यू मोहन, हमारी बूढ़ी आंखों ने यही गुण देखे थे तुम, हमें बड़ी आशा है तुमसे। क्या दिल का दौरा पड़ने पर राधा देवी का शरीर नीला पड़ जाता है? हाँ, इसे साइनोसिस कहते हैं। दिल पर सदमा पहुंचने से दौरा पड़ता है और शरीर नीला पड़ जाता है। ऐसे मौके पर मरीज का ध्यान बदल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कस्टम से क्लियरेंस हो गया है, राधा बाहर आ रही है। आइए। प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर मोहन। मैं तो सोच रहा था कि राधा मेरी तरह उछलती कूदती आएगी, लेकिन मिस्टर सुंदर, मेरी ऐसी किस्मत का मायूस ना हो रहा था। बेटे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ भी ऐसे कहा करती थी। राधा, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर बड़ा अच्छा है, ये जर्मन है या जापानी? अरे अरे वाह वाह वाह, ये गाड़ी भी बड़े मजे की है, इसमें तो साइकिल के पहिए लगे हुए हैं। कहाँ की बनी है, इंग्लैंड की या स्विट्जरलैंड की? नहीं नहीं सुंदर साहब,
इस व्हीलचेयर की इजाद का फक्र तो अपने लखनऊ को हासिल है। लखनऊ को? जी हाँ, वहाँ एक शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा। उस शेर को सुनते ही लखनऊ की सारी लड़कियों ने जमीन पर पांव रखना छोड़ दिया। एक कारीगर ने उस वक्त का फायदा उठाया और पट्टे ने व्हीलचेयर बना दिया। फिर क्या था, सारे शहर की लड़कियां व्हीलचेयर पर घूमने लगी। क्यों 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 क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई नौजवान उन्हें जमीन पर चलता हुआ देखकर कहीं वो शेर ना पड़ दे। क्या है वो शेर? शेर है, मेरा दिल खो गया है कहीं वल्ला आपके पांव के नीचे तो नहीं। अपनी बीमारी दिल से कभी मायूस ना हो, खिदमत हुस्न में तो सैकड़ों दिल हाजिर हैं। डॉक्टर, मनोहर अमरीका स्टडी करने गए हैं या शायरी करने? राधा जी, वो तो भूल से डॉक्टर बन गया, उसे तो सिर्फ शायर होना चाहिए था। मनोहर सिर्फ शायर ही नहीं, बड़े पुरमजाक भी है। कॉलेज के दिनों में मैं प्रोफेसर तक नहीं बचते थे उनके मजाक से। लीजिए फिर शेर। क्या लिखते हैं? फरमाते हैं, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तुम भी कुछ ऐसा जवाब दो कि हजरत शायरी करना ही भूल जाए। नहीं डॉक्टर, अगर एक बार लिखूंगी तो फिर खतों की इस कदर भरमार कर देंगे कि एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बन जाएगी। हेलो आंटी, बड़ी मुद्दत के बाद आई हो। हाँ बेटी, जब से तेरी माँ का स्वर्गवास हुआ आज पहली बार आई हूँ। घर में कदम रखते ही उसकी याद ताजा हो गई। बेचारी हमेशा कहा करती थी कि राधा ही मेरी बेटी है और राधा ही मेरा बेटा है। कितना प्यार करती थी वो इसे, कोई भी माँ अपने बेटे को भी इतना प्यार नहीं कर सकती। बिटिया रानी को फिर से दौरा पड़ गया है। सुंदर, तुम मोहन को बुलाओ, हम डॉक्टर को टेलीफोन करते हैं। आप लोग यहाँ से जमा हो गए, जाइए अपनी अपनी जगह पर जाइए, कुछ खाइए कुछ पीजिए और साथ साथ मुझसे एक नगमा भी सुनिए। गुस्ताखी माफ राधा देवी, इस नगमे में मेरी महबूबा के हुस्न फितरत की एक झलक नजर आएगी, गौर फरमाइए। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन,
कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जाए तो मैं क्या करूंगा, हूरों की मलका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्ता मेरी महबूबा। Absolutely normal. June, please look after her. मेरा शक सही निकला। राधा जिस्मानी थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। दिल पर कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि इस घटना से इसके नर्वस सिस्टम को फायदा पहुंचा है। डॉक्टर, आप अंदर चाहिए, से मिलिए। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट डॉक्टर। कम डॉक्टर। डैडी, ये खुशी के आंसू है बेटी, तुम नहीं जानती हम आज कितने खुश हैं। और ये जानकर और भी आप ज्यादा खुश होंगे कि अब राधा को धीरे धीरे व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब राधा अपने पैरों पर चलेगी। सच सच डॉक्टर, अब मैं खुद चल सकूंगी, दौड़ सकूंगी, नाच सकूंगी मैं। हाँ हाँ, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल पहले की तरह नाचने कूदने लगोगी। थैंक यू डॉक्टर। सचमुच संगीत भी एक जादू है। राय साहब, मुझे तो मालूम था कि राधा को हॉस्पिटल और दवाइयों से ज्यादा कच्चे पक्के रागों की जरूरत है, इसीलिए तो मैंने मोहन से गाने के लिए कहा था, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं।
आपने कहा था? हाँ, लेकिन आपने सुना नहीं था। रामदास, क्या है? ये तुम्हारा इंश्योर लेटर है, मोहन ने रुपए भेजे। अच्छा, दस्तखत करो। लाओ लाओ। कितने रुपए भेजे? जितने पिछले महीने भेजे थे, 250। 250? अरे ये देखो दुर्गा बहन, मुर्गा छाप, अच्छी भी और सस्ती भी। बुआ जी, मेरी फ्रॉक फट गई है, मैं भी नई फ्रॉक लूंगी। मैं भी नई फ्रॉक लूंगी, चल भाग यहाँ से। ए गुड्डी गुड्डी, हमारी रानी बेटिया, इधर आओ, हम दिलाएंगे। ए लल्लू लाल, गुड्डी के लिए बढ़िया से बढ़िया फ्राक का कपड़ा निकाल, और एक साड़ी माजी के लिए, एक शोभा के लिए, एक सुधा के लिए, और बिंदु राजू बिरजू के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखा। रुपए के तुम्हारा बाप देगा? रुपए गुड्डी के बाप ने भेजे हैं, मेरे साले साहब ने भेजे हैं, और माता जी के बेटे ने भेजे हैं, और शोभा के हस्बैंड ने भेजे। दुर्गा दुर्गा, क्या बात है रामदास, मोहन ने रुपए भेजे? हाँ माँ जी। कितने? 250, पिछले महीने भी भेजे थे। और ये आज तक तुमने मुझे नहीं बताया? क्या करूँ माँ जी, इस घर में मैं रामदास नहीं दुर्गा दास हूँ, और रामदास को ये शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उसकी औरत अपने बाप के घर में चोरी करती है। दुर्गा दुर्गा, क्यों रुपये छुपा रही? मेरे बेटे ने पहले भी पैसे भेजे थे और तूने मुझे कहा तक नहीं। कहने से क्या पेट भर जाता, घर में ही तो खर्च कर रही हूँ। घर में क्या खर्च कर रही है, मेरे बच्चे तो फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे हैं, और तू रेशमी साड़ियाँ खरीद रही है। रेशमी साड़ी पहनने के लिए नसीब चाहिए, अगर तुम्हारे तकदीर में फटे पुराने कपड़े लिखे हो तो मैं क्या करूँ? चोरी के सिवाय और क्या करेगी तू, यही तो किया है तूने आज तक। मुंह संभाल कर बोल माँ, नहीं तो जिसे माँ कहती है वो मारने के लिए हाथ उठाती है। तू और माँ आने से पहले मेरी माँ को खा गई, आने के बाद बाप को सटक गई, घर भी बिकवा दिया है तूने। बेशरम, चूड़ी एक माँ दीदी, भगवान मेरे चुप रहो, माँ मेरे चुप रहो। मैं तो क्या, भगवान भी चुप हो जाएगा इस मुंह जोर के सामने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मोहन के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जा, गांव खाली नहीं हो जाएगा तेरे जाने से। मेरी डॉक्टर साहब कहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन चली जाओ। हाँ राधा, तुम्हारे सेहत के लिए चेंज अच्छा रहेगा। ठीक है डैडी, मैं अपनी अधूरी पेंटिंग भी वहीं पूरी कर लूंगी। क्यों मिस्टर मोहन? जी हाँ हाँ, मोहन भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे। मैं चला जाऊंगा राय साहब, ये ख्याल तो कब से मेरी खोपड़ी को खटखटा रहा था, लेकिन यही सोचकर चुप रह जाता था कि अगर मैं राधा को दूर ले गया तो फिर आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन अब तो मैं राधा को जरूर ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम भी इनके साथ जाओ, तुम्हारी भी सेहत अच्छी हो जाएगी, और साथ साथ तुम्हारी खोपड़ी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा राधा, मैं चल के मोटर का इंतजाम करता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। सुंदर। यस। मिस्टर मोहन मेरे साथ जाएंगे, तुम्हें अगर आना हो यस तो अपनी गाड़ी में मेरा सामान और पम्मी सम्मी को ले आना। क्या पम्मी सम्मी, उन कुत्तों को? भाभी, डाकखाने में कुछ पता चला भैया का? नहीं सुधा, लेकिन इसमें तो डाक बाबू के मार्फत ही उसका पता लिखा है ना? हाँ माँ, उनका असली पता उस डाकखाने में किसी को भी नहीं मालूम। हे भगवान, अब इस बीमार बच्चे को लिए कहाँ ढूंढे उसे? तुम चिंता मत करो माँ, मैं फिर से उन्हें ढूंढने जाती हूँ, शायद वो कहीं मिल जाए। हाँ बेटी जा, लेकिन संभालना, शहर का मामला है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। माँ मुझे प्यास लगी है। चल तुझे सामने से पानी पिला लाऊं, तू यहीं ठहरना बेटा। कितने लीटर चाहिए साहब? 15 लीटर, जल्दी से।
भैया यहाँ पीने का पानी मिलेगा? हाँ हाँ माँ जी, उधर जाओ। मोहन गर्दन जरा टेढ़ी। ऐसे नहीं, ऐसे। यूं नहीं, यूं। यूं नहीं, यूं। ए शांता, क्यों सता रही हूं इन्हें? तो हम सतारे तो तुम ही समझा दो ना। लार से, दुलार से। नहीं नहीं, प्यार से। शैतानो, दौड़ो नहीं राधा, राधा दौड़ो नहीं, राधा मान जाओ, दौड़ो नहीं। राधा तुम्हें दौड़ना नहीं चाहिए। स्टेडी स्टेडी। जाने दो जाने दो जाने दो, कैमरा टूट जाएगा। चलो अब घर चलें, रात को गांव वालों के प्रोग्राम में चलना है, याद है ना? अरे कुर्सी जल्दी लाओ। बस बाबी, थोड़ा और पी ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। नहीं बाबी, अच्छा नहीं लगता, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। घबराती क्यों है बेटी, कल से हम डाकखाने के पास ही जाकर बैठेंगे, वहाँ भैया जरूर मिल जाएगा। और थोड़ा सा पी ले। नहीं माँ। पी ले ना। नहीं। बीबी जी, ये क्या है? आप लोग जो गाएंगे बजाएंगे सब इसमें उतर आएगा। अच्छा, चलो 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 चलो। गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। मैं हाँ, आ जा।
पन घट के पीछे जा बैठी, चुप के मेरी सजनिया, छन से लेकिन अनजाने में चनक गई पैजनिया, ओ पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। एक तमाशा देख रही है सारे शहर की अखियां, ए पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। बहुत अच्छे राधा, बहुत अच्छे। तुम तो बिल्कुल पहले की तरह नाचने कूदने लगी। साची डैडी। हाँ राधा, अब तुम्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं। ओ डॉक्टर। थैंक यू मोहन। गॉड ब्लेस यू मोहन। शोभा, कुछ पता चला मोहन का? नहीं माँ। माँ, भैया यहाँ भी नहीं आए? नहीं बेटा, भगवान जाने अब हमारा क्या होगा। निराश ना हो बहन, जब तुम्हारा बेटा हर महीने इसी पोस्ट ऑफिस से रुपया भेजता है तो जरूर किसी दिन आएगा। मैंने बाबू से कह दिया है, जैसे ही वो आएगा वो हमें खबर कर देगा। मेरी बात मानो, मेरे घर चल कर रहो। आखिर इस बीमार बच्ची को लिए कब तक इस कड़ी धूप में पड़ी रहोगी? मैं और कुछ सेवा तो नहीं, सर छिपाने की जगह तो दे सकता हूँ। हाँ माँ, इनकी बात मान जाओ, सुधा के लिए अच्छा रहेगा। चलो बेटी। शाम हो गई, काम खत्म, चलो घूम। नहीं रा, मेरे सामने बहुत काम है। कहाँ है काम? सामने तो मैं खड़ी हूँ। उठो, पहले आर्ट गैलरी चलेंगे, फिर मरीन ड्राइव, और खुद ड्राइव करेंगे। नहीं राधा,
पहले मुझे इन खतों का जवाब देना, फिर मजदूरों का हिसाब किताब देखना, उसके बाद अगर तुम कहोगी कि समुंदर में भी कूद पड़ो तो कूद जाऊंगा। तुम टेबल छोड़ोगे कि नहीं? आई एम सॉरी राधा। Thank you.
मालूम होता है बेचारे यतीम बच्चे हैं, पढ़ने लिखने की उनमें भीख मांग रहे हैं। चलो उन्हें कुछ दें, चलो। मैं भीख देने के खिलाफ हूँ। सचमुच तुम बड़े पत्थर दिल। हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं वैद्य जी से दो पुड़िया लाया हूँ, इसे तुलसी के रस में घोल कर एक अभी और एक तीन घंटे के बाद देना। अच्छा भैया, कितना भला आदमी है। जा बेटी, तुलसी दल का रस निकाल के ला। अच्छा भाभी, कुछ पता चला तुम्हारे भैया का? भैया आ गए? कहाँ है भैया? आ जाएगा भैया। कहाँ है? तू आराम कर। नहीं आए। आ जाएगा। नहीं आ जाएगा भैया। ये सब क्या है? कहाँ से लाए? माँ, हम भैया का गाना गाते हुए जा रहे थे कि वो सुनकर जरूर आ जाएंगे, लेकिन भैया तो नहीं आए। लोगों ने हमें पैसे देने हैं और ये सब चीज हमने दीदी के लिए लाए। दीदी के लिए ये बुखार की गोलियां भी ले आए। खैराती अस्पताल हो तो इसे ले चले। लेकिन इसे ले कैसे जाए? तो इसे संभाल, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो गाड़ी वाले बाबू, जरा सुनो तो। भगवान तुम्हारा भला करे बाबू। मोहन, मोहन मेरा बेटा। माँ, बेटा मोहन, मेरे लाड माँ, बेटा। सुधा, सुधा तेरे भैया आ गए। सुधा, भैया आ गए? कहाँ है मेरे भैया? भैया, ये सो रहा है भैया। सुधा, भैया, सुधा, मैं आ गया। सुधा, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहन, तू सुधा के लिए गाड़ी में जा, मैं सब सामान इकट्ठा करती हूँ। डॉक्टर को बुला दो जल्दी। जमुना, सबके लिए खाना बनाओ। न जाने राधा को यकायक क्या हो गया है। डॉक्टर साहब जरा जल्दी तशरीफ लाइए, मुझे डर है उसे कुछ और ना हो जाए। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी आता हूं। कितना अच्छा लड़का है नरेंद्र, भगवान ने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। इच्छा भगवान की। अच्छा बेटा, तू काम क्या करता है? सेक्रेटरी का काम है माँ। सुबह काम पे कितने बजे जाता है? सुबह क्या, अभी जाना है। हैं? हाँ, बस यूँ समझो माँ, 24 घंटे की नौकरी है।
दो दो साहबों की ड्यूटी बजानी पड़ती है, एक की सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और दूसरे की शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक और कभी कभी तो सुबह भी हो जाती है। राम राम राम, ये भी कैसा काम है और तनख्वाह कितनी? यही बात तनख्वाह की भी है, जितना जी चाहे ले लो, जितना जी चाहे खर्च करो, कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो बहुत अच्छा है पापा, सब पैसे उठा ला। बोला, उन्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? मालूम नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो अभी ऊपर ही हैं। मुझे बहुत अफसोस है राय साहब। अब अफसोस करने से क्या फायदा मोहन, पहले से ही उसका ख्याल रखना चाहिए। क्या हुआ था डॉक्टर? कुछ नहीं, सिर्फ आवेश था इसलिए जरा नर्वस हो गई थी। मिस्टर मोहन जी, तुम्हारे सहयोग की बहुत जरूरत है, जाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए राय साहब। राधा, लगता है बहुत नाराज हो गई। ऑफिस खुला? किस लिए? काम करने के लिए। आज का काम खत्म? तो दरवाजा खुला है। वो किस लिए? अकेले बाहर जाने के लिए। वो तो मैंने बंद कर दिया। फिर क्या करोगे यहाँ? एक किस्सा सुनाओ। एक दिन की बात है, मैं वहाँ रहने दो अपना किस्सा विस्सा, चले जाओ यहाँ से। अरे तुम तो एकदम उबल रही हो। बाबा शांति से जरा मेरी बात तो सुनो, रास्ते में मुझे दोस्त मिल गए थे इसलिए देर हो गई, वरना मैं क्या रुकने वाला था। दोस्तों ने तुम्हारे पैर तो नहीं बांधे थे? झूठ, सरासर झूठ। राधा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या किया? तुम्हारे डांस का प्रोग्राम तय किया है। डांस का प्रोग्राम? मैंने कोयना रिलीफ फंड के लिए तुम्हारे डांस का प्रोग्राम रखा है। अच्छा, तो एक नया किस्सा घड़ ही लिया। तुम्हारी कसम? नहीं नहीं, मेरी कसम। सच? बिल्कुल सच। कब है प्रोग्राम? 5 दिन के बाद। नहीं, 15 दिन के बाद। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही तो गलती होगी, माफी चाहता हूँ। माफी नहीं, सजा मिलेगी। सजा? कान पकड़ो। जी पकड़ो कान। अब कहो, मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कान छोड़ने को तो कहो। चुप जा राधा, माफी तो कुछ कहिए। अरे इसे कान छोड़ने को तो कहो। जानती है ये मकान किसका है? जानती हूँ, मकान तेरा है लेकिन कब्जा मेरा। सेठ, कानून मैं भी जानती हूँ। जो खेत जोते खेत उसका, जो मकान में रहे मकान उसका। भीखो, उठा के फेंक दो सब सामान इसका। खबरदार जो आगे बढ़ा तो। अरे दुर्गा, बंदूक को नीचे कर ले। जा पुलिस को बुला के ला। हाँ, बुला ला पुलिस को। क्या दुर्गा करेगी पुलिस मेरा, हटा ना। दुर्गा पुलिस मुर्गा बना देगी और फिर छुरी चलेगी मेरी गर्दन पर। कानून हाथ में नहीं लिया करते सेठ जी, इनकी तिजोरी भारी है और घर में सामान ज्यादा। कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। सेठ जी, अरे हरे हरे हाय। सेठ जी बस 2 दिन का मौका दीजिए मुझे, उसके बाद राजा रानी एक का बम्बई में बिखरे पत्तों में जा मिलेंगे। चुप चुप, सबको मिलेगा। ये है बिरजू के लिए। कितना अच्छा भैया। शोभा, अब इत्मीनान से बातें करेंगे, जी भर के बातें करेंगे। शोभा, मैं दूध ले आऊं। रहने दो शोभा, कितने दिनों से आंखें तरस रही थी,
इस रूप अमृत को पीने के लिए। पापा तुम डर गए? नहीं बुड्ढी बेटा। पापा मैं तुम्हारे पास आऊंगी। दादी माँ के पास जाओ, दादी माँ तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी। हैं? नहीं गुड्डी, दादी माँ तुझे वही पुरानी कहानी सुनाएंगी और पापा तुझे शहर की नई नई कहानियाँ सुनाएंगे। हाँ पापा, मैं तुमसे नई नई कहानियाँ सुनाऊंगी। हाँ बेटा। भैया हम भी कहानी सुनाएंगे, हम आए। आओ भैया आओ। चलो भैया कहानी सुनाएंगे। भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे। पापा सुनाओ ना कहानी, बांध के देख रहे हो। सुनाता हूँ सुनाता हूँ। एक था राजा और एक थी रानी, दोनों की सुनाता हूँ प्रेम कहानी। दोनों बड़े खुश थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? फिर हरा दिया मुझे। ना बाबा, तुम तो चैंपियन हो। और उसके बाद वो उसे ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, और बड़ी मुद्दत के बाद राजा की रानी से मुलाकात हुई। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर 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 ले गया। Yes, sir. Bill. Yes, sir.
गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी। मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार? हाँ तैयार। भाग्यवान, बंबई जैसे बड़े शहर में तुम्हारे घटिया भजिया खाने कौन आएगा? तू नहीं आएगा बापू, माँ आवाज लगाओ अपने घी के। अरे चुप रह, तुम क्या जाना दुकानदारी? ग्राहक तो सस्ते पे मरता है। ओ देखो मोटर वाला उल्टा इधर ही आ रहा है मेरे गरम गरम पकौड़े खाने के लिए। आ बाबू आ। हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है तो आपको अपने घर ले चलता हूँ। बेहतरीन खाना खिलाऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा और पैसे भी दूंगा। पैसे पैसे पैसे। तो फिर रहने दो पुलिस को। चलो इनके यहाँ चलते हैं। चलो अरे चलो चलो। तेरा तेल कढ़ाई मसाला मैं चली। अरे अरे कहाँ चली? मेरा भाड़ा तो दे। अरे कैसा भाड़ा? तेरे मनोज कढ़ाई से एक नए पैसे का व्यापार है और पैसा मांगता है। तो ये बात है, बुलाता हूँ। पुलिस को। अरे पुलिस को मत बुलाओ। तुम्हारे कितने पैसे हुए? 10 रुपए। भी बड़ी लेकिन तुम्हारे दिमाग से बड़ी नहीं है। क्यों पूछो? अपने जी का है बापू। वाह रवा शक्कर घी और वो भी असली। माँ दाल संभाल। हाँ संभाल। संभाली। सब कुछ मिल गया ना? किसी चीज की कमी तो नहीं? बस अखरोट की कमी है। ओ बाहर है तुम्हारा रसोई में क्या काम? तुम दोनों जाओ यहाँ से। अभी ले जाओ इन्हें। इंजीनियर हो, कारपेंटर हो, मेरा मतलब है बड़े ही भाई लोगों, मजदूरों और मजदूरों, हमारी हमारी मतलब मेरा मतलब यह है कि आप सब की कंपनी के सिल्वर जुबली के मौके पर राय साहब ने 3-3 महीने का बोनस देने का ऐलान किया है और मैं कंपनी का 50% पार्टनर होने के नाते आपको आप सबको एक एक गाना सुनाता हूँ। माफ कीजिएगा श्री सुंदरलाल जी, गाने के लिए गलती से अपना नाम ऐलान कर गए। दरअसल वो कहना चाहते थे कि मिस्टर मोहन गाना सुनाएंगे। अब मैं मिस्टर मोहन से प्रार्थना करती हूँ कि वो मजदूर भाइयों की खुशी के लिए एक गाना सुने।
सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए ओ एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए ओ किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए ओ नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा ओ कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए ओ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी क्यों? जी क्यों? अरे तुम मेरे और राधा के बीच में दीवार तो दीवार को तो मीनार बनकर खड़े हो गए। राधा तुमसे प्यार करती है और मुझे ठुकराती है। बॉस, ये आपकी कमजोरी है। अरे ले आओ ना। कोई लाने वाला नहीं है। नौकर भी मुझे कमजोर समझते हैं। मैं ही लाता हूँ। यू डैम ठहरी बॉस मैं बनाता हूँ। हाँ हाँ तुम बनाओ तुम बनाओ। स्ट्रांग के जरा नहीं नहीं चलेगा। यू डैम का क्या मतलब होता है? यू डैम नकली घी के लड्डू है ये बोले मुझे
हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि राधा आपसे प्यार करती है। हाँ, कल ही वो थिएटर में कह रही थी कि सुंदर बड़ा दिलचस्प आदमी है, लेकिन थोड़ा चक्कर मगज है। लेकिन ये क्या बात है, उसने कभी अपनी मोहब्बत मुझ पर जाहिर नहीं की। ओफो, मोहब्बत के मैदान में औरत अफसर की तरह तनकर खड़ी रहती है, उसे झुकाना पड़ता है। कैसे झुकाते हैं? तारीफ से। औरत अपनी तारीफ से मर्द की गुलाम बन जाती है, उसकी खूब तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे जैसे सब लोग करते हैं। सब लोग कैसे करते हैं, प्लीज मुझे बताओ ना। लड़की के पास जाकर बड़े प्यार से कहो, डार्लिंग, प्राणेश्वरी, तुम सूरज हो, मैं अंधेरा, तुम चांद हो, मैं चकोर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम फूल हो, मैं भौरा। ये कहकर उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ लो। समझ गया। थैंक यू मोहन सर, मोहन थैंक यू वेरी मच। अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो जी। आज आज मुझे मोहब्बत का सबक मिल गया, सुंदरता की दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। बाय बॉस। बाय बाय सर मोहन। बाय बाय। बाय बाय। प्राणेश्वरी बाजी, मेरे दिल की रानी, हरामी, माय स्वीट माय हार्ट, कब समझोगी मेरे दिल की बात? तेरा मुर्दा निकले। अरे तुम चकोर हो, मैं चांद हूँ। तू गधा है। नहीं नहीं, तुम भवरा हो, मैं फूल हूँ। तू उल्लू है। तुम अंधेरा हो, मैं सूरज हूँ। प्राणेश्वरी सब देख रहा, सब सुन रहा, तुम जाओ अंदर। बोलो मिस्टर सुंदर, तुम्हारा क्या बना? बंदर या कबूतर? अरे दुर्गा जी, दुर्गा दास नहीं, भवानी दास। भवानी दास नहीं, रामदास। रामदास, रामदास जी, मैं तो प्रेम की रिहर्सल कर रहा था। प्रेम की रिहर्सल? अब मैं अपने हाथों की रिहर्सल करूंगा। अरे 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 दुर्गा जी, माफ करो दुर्गा दास। रामदास, अरे बाप रे, अरे दादा जी, अरे शंकर कहां बन गया? अरे शंकर, शंकर। दुर्गा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये आदमी अच्छा नहीं। लेकिन जगह तो अच्छी है, और फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने पसीने की कमाई खाएंगे। मैंने तुम्हें भी देखा और तुम्हारा पसीना भी। बैठो बैठो, लड्डू खाओ। हाँ बापू, असली घी के हैं। तू चुप रह, इसका मतलब है तुम नहीं चलोगी। नहीं नहीं नहीं। माफ कर दीजिए दुर्गा दास जी। क्या कहा? अरे रामदास, रामदास। ठीक है, ये बोतल मुझे दो। ये आप पियेंगे? हाँ पीऊंगा, और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं दुर्गा दास नहीं, रामदास हूँ। दिखाई दे रहे, असली सर कौन सा है तेरा? माँ, बापू ने शराब पी है। हाय राम, तुमने शराब पी है? हाँ हाँ पी है, क्योंकि आज तक तूने मुझे पिया है।
बोल यहाँ से चलेगी या नहीं? नहीं नहीं तुमने मुझे मारा। आज मैं तुझे एक जान से मार दूंगा। बोल यहाँ से चलेगी या नहीं? चलूंगी चलूंगी। जो मैं कहूंगा वो करेगी? करूंगी। बैठ कहूं तो? बैठूंगी। बैठो ना माँ। बैठ। और उठ कहूं तो? उठूंगे। फिर उठो ना माँ। उठ। मेहनत मजदूरी करूंगी। और असली घी के लड्डू? बोल। नहीं मांगूंगी। तो जा बात बो या बिस्तरा जा चल। ओ दो फेंक दे लड्डू नहीं तो। बापू मुझ पर वाह मत जमाओ। क्या? मैंने सब देखा हुआ है। भांडा फोड़ दू माँ। अरे माँ के बेटा। अरे मेरे माँ। मम्मी कपड़ा बहुत अच्छा है, हम यही लेंगे। नहीं गुड्डी, हमें रेशमी कपड़ा नहीं चाहिए। हमें यही कपड़ा चाहिए। ओ, दिलवा दीजिए ना, बहुत अच्छा कपड़ा है। कीमत भी तो ज्यादा होगी गुड्डी, हम इतना कीमती कपड़ा नहीं खरीद सकते बेटी। अच्छा नहीं लेंगे, चले जाएंगे। सुनो बड़ी समझदार हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। वाह बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? राधा। वाह बड़ा प्यारा नाम है। बड़ी प्यारी बच्ची है। ये रहने दीजिए, कोई दूसरे डिजाइन दिखाइए तो। शोभा गुड्डी थमा गए, चलो बाजार चलेंगे। शोभा ले गई उसे बाजार। शोभा ले गई? हाँ और नहीं तो क्या, सारा घर सर पे उठा रखा था गुड्डी ने। माँ मुझे देर हो गई। जब तक मालूम न हो कि फुर्सत होगी या नहीं, बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए। माँ वो क्या करता माँ, अचानक मेरे मालिक की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ है? अब तो ठीक है ना? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। आइए राधा देवी आइए। ये मेरी सासू माँ है और आप है राधा देवी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी जीती रहो। माँ जी अब तक आए नहीं? वो आ गया ना, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। आइए पहले घर के और लोगों से मिलाऊं। सुधा कहाँ गई? बिंदु ऊपर है। माफ करना बहन, वो सचमुच बाहर चले गए। गुड्डी तुम्हारे पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि वो डरते हैं कहीं मैं उन्हें तुमसे छीन कर न ले जाऊं। गुड्डी कह दे शौक से ले जाओ। हाँ शौक से ले जाओ। दरअसल राधा जी उन्हें बहुत काम रहता है। रोज रोज काम रहता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और हमें घूमने तक नहीं ले जाते। पुअर स्वीट, ऐसा क्यों? क्या करें, आपने तो देख ही लिया हमारा परिवार, सबका बोझ अकेले उनके ही कंधों पर है, इसलिए बेचारे दिन रात काम करते हैं। बड़ा प्यार है उन्हें अपने परिवार से। जरूर दर्शन करूंगी उनके किसी दिन। अच्छा अब इजाजत दीजिए, मेरे सेक्रेटरी मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे बेचारे। बेचारी आपका इंतजार करके चली गई। वो कौन? राधा देवी किसी राय साहब की बेटी है, वो हमें दुकान पर मिली थी, थोड़ी सी जान पहचान होते ही देखिए ना गुड्डी को इतने सारे प्रेजेंट्स दे दिए। लेकिन तुमने लिए क्यों? मैंने बहुत मना किया लेकिन वो माने ही नहीं। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे? परेशान नहीं तो, माँ जी बुला रही, जाओ जाओ।
आखिर बात क्या है? तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? राय साहब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम पर कितना भरोसा रखते हैं, और राधा तुम्हें कितना चाहती है। ये उन लोगों की मेहरबानी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, वो कोई तुम्हारा निजी मामला होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस फैसले से राधा की सेहत पर जरूर बुरा असर पड़ सकता है। बुरा असर? ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। अच्छा जाओ, रात बहुत हो गई। थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, राधा से ये ना कहिएगा कि मैं आपसे मिलने आया था। डोंट वरी। डियर मनोहर, आओ बेटा, समधी जी कब से आए हुए हैं? समधी जी? हाँ, उन्हीं के बेटे के लिए सुधा की बात की थी मैंने उस दिन। नमस्ते। अरे जीते रहो, क्यों भाई बंबई के बादशाह, भूल गए कि अपने गांव वाले जीवन राम को? नहीं नहीं जीवन राम जी, खूब याद है। ये बात हुई ना, बेटे कुलनंदन, ए रघुनंदन इधर आओ, अपने साले साहब से मिलो। यही है साहब, मेरा और मेरे वंश का उद्धार करने वाला कुलनंदन मिडिल पास। लड़का बड़ा तंदुरुस्त है। बैठिए रघुनंदन जी। अरे भाई आप आए हैं तो बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, सोएंगे भी। वो दमदन जी, लेने देने की बात तो आपने कर ली है ना मोहन बाबू से? क्योंकि इसके रिश्ते के लिए घासलेट की लाइन की तरह बेटी वालों ने लाइन लगा रखी है। हम तो बिल्कुल तैयारी है समधी जी, अब आप लोग आराम करें, सुबह बात करेंगे। अब बात क्या करनी है, कल सुबह शादी का सामान ही खरीदना है। रघुनंदन चलो बेटे। माँ तुम इस बारे में बहुत जल्दबाजी से काम ले रही हो। तू नहीं समझता बेटे, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी, वो भी सुखी हम भी सुखी। जैसे तुम्हारी इच्छा। तो फिर शादी की तैयारी करनी चाहिए। जा सो जा, बहुत रात हो गई। अच्छा माँ। बस अब अपने बीवी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। तू नहीं समझता बेटे, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी, वो भी सुखी हम भी सुखी। पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, ओ कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा राधाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा जाए। हाय मेरी जेब कट गई, मैं लुट गया, मेरी सारी रकम लुट गई, हाय मेरी जेब कट गई, मैं मर गया रे समदान। पिताजी आप भी क्या टिप्पू सुल्तान है, आप तो खाली जेब गए थे, आपने पैसे मेरे पास रखे। चुप तू नंदन, इतना भी नहीं समझता।
यहाँ से, और लेकिन यहाँ पे चिनाई हो चुकी है, प्लास्टर का काम बाकी, बस 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, पार्टी तकाजा कर रही है, महीने भर में काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ मामा जी, अरे बुध प्रकाश, तेरे माता पिता कहाँ हैं? अभी मैं बुलाता हूँ। बापू बापू, माँ माँ, ओ देखो मामा जी। माँ जी, चाची, दीदी, ये किस हाल में देख रहा हूँ तूने मैं। चलो दीदी, तुम्हारा सामान कहाँ? चल बुध प्रकाश, तू जाकर गाड़ी में बैठ। आप लोग खड़े क्यों रह गए? हमें यही रहने दो मोहन। आज मुझे मालूम हुआ ताश रमी के खेल से मेहनत मजदूरी के खेल में कितना आनंद आता है। अभी तुम्हारी दीदी भी सुधर गई है, मेरा मतलब है सीधी हो गई। हाँ भैया, मैंने जिंदगी में तुम पर, भाभी पर, बच्चों पर और माँ पर बड़े जुल्म किए, मैं किस मुँह से तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा मैं कहूँ दीदी, पिताजी की बात, जीजा जी को मैंने अपने पिताजी की जगह माना, और तुम्हें, तुम्हें मैंने कभी माँ से कम नहीं समझा। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा दीदी। दीदी भैया, मुझे माफ कर दे। अरे चलो चलो भाई। मेरे बच्चे, तुम कब आए? कितने दिनों के बाद मिले? नमस्ते माँ जी। जीते रहो रामदास, जीते रहो। दुर्गा कहाँ है? हैं? तुम बोलते क्यों नहीं? कहाँ है दुर्गा? अरे बोलो ना, कहाँ छोड़ा है मेरे बच्चे को? दुर्गा, मेरे बच्चे, मैं तो घबरा ही गई थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उठ बेटी, उठ, हम सब फिर एक हो गए, भगवान ने सबको मिला दिया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे सुन बेटा, तेरे पास 1000 रुपये हैं, समझे जी की जेब काट ली किसी ने। जेब काट ली? हाँ, उन्हें रुपयों की बड़ी जरूरत है, वो अपने घर जाकर भेज देंगे। मैं कल इंतजाम करूंगा। और देख, आज जल्दी छुट्टी लेकर आना, शोभा का व्रत है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी राह मत देखना। राह कैसे नहीं देखेगी, अक्ल है तुझे? तेरे आने भरी तो व्रत छोड़ेगी वो। अच्छा माँ। हाँ हाँ, मैं राय साहब की बेटी बोल रही हूँ। वहां मोहन साहब है? नहीं, देखिए ना डैडी, मोहन वहां भी नहीं। कल मेरी बर्थडे है और अभी तक कुछ। लो, आ गए मोहन। कहाँ थे आप मोहन? कल का दिन राधा के जीवन का एक नया और शुभ दिन होगा। हम चाहते हैं ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाए। जरूर। और हाँ, एक बात और, खैर उसे कल पे छोड़ो, चलो घूमने चले। नहीं ना, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं, आज काम की बात नहीं, मैंने डैडी से आज के लिए डिक्शनरी में से भी काम का लफ्ज निकालने के लिए कह दिया। चलो बाय डैडी। बाय बेटे। जब सावित्री घर में बैठी हुई भगवान की पूजा कर रही थी, तब उसका पति सत्यवान वन में लकड़ी लेने गया था। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। आहा, आप मुझे अच्छे लगने लगे।
अच्छा नहीं लगा? नहीं राय साहब, बहुत लजीज है। तो फिर खाते क्यों नहीं? शायद किसी और ने बुलाया होगा खाने। जी जी, मुझे कौन बुलाएगा? 11 बजे, खाइए खाइए, आज खाने में बहुत देर हो गई। भोला जी, मुझे बुलाया? देखो मोहन बाबू का स्लीपिंग सूट, टूथब्रश वगैरह मेरे सामने वाले बेडरूम में रख देना और बिस्तर भी ठीक ठाक कर देना। ये आज वहीं सोएंगे जी, ताकि कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी शुभकामनाएं दूं। लेकिन शुभकामनाएं तो पहले बड़ों की लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे सहयोग से ही राधा को नई जिंदगी मिली है, इसलिए तुम्हारे शुभ दर्शन से ही शुभ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। दुर्गा, सुधा, खाना खा लो बेटी, कब तक भूखी रहोगी? भाभी के बिना कैसे खा ली मैं? अजी, तुम यहाँ बैठे क्या खटमल मार रहे हो? जाओ, पता लगा भैया का। अच्छा अच्छा, माँ जी उसके दफ्तर का पता बताओ। उसने कभी बताया हो तो बताऊं, भगवान जाने किसकी नौकरी और क्या काम करता है। यहाँ तो रात बेरात चोर की तरह आता है और चोर की तरह चला जाता है। मैं तुम्हें ठीक 5 बजे जगाने आऊंगी। ये तुम्हारा कमरा है। गुड नाइट। गुड नाइट। समझ गई, मन नहीं लग रहा होगा जी। गुड नाइट। सोच रही थी कि तुम किसी के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैंने कितनी बार हिम्मत की तुमसे दिल खोल कर बात करने की, लेकिन मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। अब भी इतनी शर्म आ रही कि आंख नहीं मिला सकती।
मैं ही बेशरम की तरह बोली जा रही, और तुम कुछ नहीं बोलते। मुझे भी शर्म आ रही है। इस वक्त रात को यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नींद नहीं और मुझे वहाँ नींद नहीं, तड़पत बीते रहल पिया बिल चैल का। रानीश्वरी मैंने ये देखी, रानी तुम चांद हो, मैं सवेरा हूँ, मैं अंधेरा हूँ। शट अप। नहीं, क्या कहा था? हाँ, तुम चकोतरी हो, तुम कबूतरी हो, मैं भावरा हूँ। मैं प्रियतमा प्रेम का जान लेने के लिए अपना कोमल हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो। लो ये हाथ है कि बिजली का करंट। और अब तो फ्यूज ही आउट हो गया। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। माँ ये नौकरी है और नौकर को मालिक की मर्जी के मुताबिक नाचना पड़ता है। बस दुनिया में तू ही एक नौकरी करता है, और ऐसी भी क्या नौकरी जो छुट्टी न मिले। अगर तीज त्योहार के दिन भी घर वालों से दूर रहना पड़े तो छोड़ दे ऐसी नौकरी। माँ ये क्या कह रही हो? ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। मैं भी तंग आ गया, घर वालों को खुश रखूं तो मालिक बिगड़ते हैं, मालिक को खुश रखूं तो घर वाले बिगड़ते हैं। जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। माँ अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो गुजर कैसे होगी, सुधा की शादी कैसे होगी? ठीक है। राम राम राम, मोहन बाबू इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं मेरी बेटी सुनो, भरी थाली को ठुकराना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो कितनी मुसीबतें उठाई हमने, आंखों से दिन गुजारे, और अब समझी घर में ठहरा हुआ है। सुधा की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना है। अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो क्या हालत हो जाएगी हमारी? मुझसे वादा कर मेरे बच्चे, मुझसे वादा कर कि तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। अच्छा माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो चल अब शोभा व्रत का पारायण करेगी और हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। चाय ऊपर ले आओ। मोहन मोहन, गुड मॉर्निंग राधा, सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? मैं यहाँ कैसे सो रहा हूँ, शायद अंदर गर्मी होगी। तुम्हारा कमरा तो अंदर से बंद था, यहाँ कैसे आए? शायद इस दरवाजे से आ गया होऊंगा। ये दरवाजा तो मैंने अभी खोला है। तो उसके बाद ही आ गया होऊंगा? वो तो ठीक है, लेकिन ये सूट पहनकर कहाँ गए थे? सूट पहनकर?
हाँ अब समझा, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। इसका दौरा हर 5 साल में पड़ता है, जरूर वही आ गया होगा। और उसी दौरे में मैंने कपड़े बदले होंगे, पाइप से नीचे उतर गया होगा और न जाने कहां कहां घूम फिर कर यहां आकर सो गया होगा। है ना ये मजे की बात? भाई सवेरे सवेरे क्या मजे की बात हो गई? आपको मालूम है डैडी, मोहन नीलकमल है। नीलकमल? तो क्या तुम भी नींद में चलते हो? जी। ये भी किसी राजकुमारी से मिलने जाते हैं। जी जी जी, मेरा मतलब है कि ये किस्म का दौरा होता है। हाँ डैडी, देखिए ना, ये रात को पलंग से उठे, कपड़े बदले, पाइप से नीचे उतरे और न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गए। भाई वाह, आज के शुभ दिन की शुरुआत भी क्या मजे के साथ हुई। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। गॉड ब्लेस यू डैडी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आओ आओ मोहन, बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ पहुंचे। मैंने हैप्पी रिटर्न कर दिया। मोहन, हम तुम्हारे मन को भी जानते हैं, राधा के मन को भी जानते हैं और शायद तुम दोनों ने हमारे मन को भी जान लिया होगा। जी बैठो बैठो। मोहन, आज राधा का जन्मदिन है और हम इस खुशी में एक और खुशी जोड़ देना चाहते हैं, वो है राधा के साथ तुम्हारी सगाई। ये कैसे हो सकता है राय साहब? क्यों नहीं हो सकता बेटे, हमने यही फैसला किया है। आप जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे हैं राय साहब, ये सोचना हमारा काम है। मोहन, अपनी बेटी राधा का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएंगे। राधा के लिए हमें तुम जैसा लड़का ही चाहिए था। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि आज राधा और हम फूले अंग नहीं समा रहे। मैं गरीब, हम जानते थे तुम यही कहोगे। ₹2,00,000 अपने नाम बैंक में जमा करा। वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुन रहे थे। बातें बाद में होती रहेंगी। अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है, सुधा की शादी करना चाहता है, बिंदो राजू और बिरजू को किसी लायक बनाना चाहता है तो खुद को बेच दे ₹2,00,000 में। लेकिन शोभा का क्या होगा? वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है? अरे कमबख्त, अब भी तो रहती है। तू चंद पैसों के लिए इधर पड़ा रहता है और शोभा उधर पड़ी रहती है। उसे भी आराम की जिंदगी बिताने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैं शोभा के बिना कैसे रहूंगा? राधा भी कैसे रहेगी तेरे बिना? वो दिल की मरीज है, सारी जिंदगी कमाएगा फिर भी नहीं कमा सकता ₹2,00,000। दोनों घरों को बचाने के लिए यही एक उपाय है। एक को खुशी मिल जाएगी, दूसरे की चिंता मिट जाएगी। ड्राइवर से कहो ये नेहरू रोड पे शोभा जी के घर पे पहुंचा दे। अच्छा जाओ सुंदर। मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो बदमाश मोहन राधा से शादी कर रहा है। अरे समझ गया, घबराइए मत बॉस, यही वक्त है कि मैं राधा को लाकर आपके पहलू में बिठा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे मेरे दोस्त, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ कैसे? कैसे उड़ाकर, भगाकर? उड़ाकर, भगाकर? नहीं नहीं, मुझे ये काम पसंद नहीं। राय साहब क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, नहीं।
माई डियर बॉस, एक बार शादी होनी चाहिए, राजी से या नाराजी से, उसके बाद तो राय साहब को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो समझ लो तो हो गई शादी। हो गई। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो बॉस। थैंक यू। इसी खुशी में हो जाए जान का दौरा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? आई एम। माफ करना शोभा, मैं तुम्हें पहले से खबर न कर सकूं। कोई बात नहीं, बड़ी कृपा की तुमने आकर। गुड्डी और तुम्हारे पति नहीं आए? गुड्डी स्कूल गई है और वो तो अक्सर बाहर ही रहते हैं। लेकिन राधा रानी, तुम्हारा जवाब नहीं। सालगिरह और सगाई एक ही दिन? अचानक तय कर लिया डैडी ने। मैं भी उतावली हो रही हूँ भाग्यवान को देखने के लिए। अभी दिखाती हूँ। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शोभा, क्या हुआ शोभा? कुछ नहीं, जब मुझे बहुत खुशी होती है तो मेरा सर चकराने लगता है। आप पलंग पे लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रंग पे भंग हो जाएगा। ऐसे खुशी के मौके पर बीमार और डॉक्टर? नहीं नहीं, मेहमान आ रहे हैं, मेरे यहाँ ठहरने से विघ्न पड़ जाएगा, मैं घर जाती हूँ। शोभा के जीवन का सौदा करना चाहता है, इन कागज के टुकड़ों की रिश्वत देकर हमारा मुंह बंद करना चाहता है। ले जाए रुपयों से, और फेंक दे किसी कूड़े में। माँ, इतने रुपए किसने दिए? प्यार का सौदा करने वाली किसी व्यापारी ने। वो इन रुपयों से माँ की ममता को खरीदना चाहता है, पत्नी से उसका सुहाग छीनना चाहता है। वो समझता है कि ये रुपये पाकर हम मोहन को भूल जाएंगे। आग लगे ऐसे रुपए को। माँ, जरा उन भयानक काले दिनों को याद करो माँ, जब तुम इस बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी किया करती थी। भगवान जानता है, उस ख्याल के आते ही मैं थर्रा उठता हूँ, जब ये मासूम बच्चे गरीबी और बेबसी का शिकार बने हुए थे, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते थे। ऐसे सुख से वो दुख हमारे लिए फूल है, वरदान है, हम हर वक्त उन्हें अपनाने के लिए तैयार है। तो घर में बैठ मेरी ये सूखी हड्डियां पहले से भी 100 गुना काम करेंगी, और ये बच्चे फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। ऐसे सुखी जीवन का लालच हमें मत दिलाना। तो खुद इन बच्चों से पूछ, वो तुझे चाहते हैं या इन रुपयों को? मेरे बच्चों बताओ, तुम्हें भाई चाहिए? हमें रुपये चाहिए। माँ तुम नहीं समझती, अगर तुम मना कर दोगी तो वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी तो यहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ी है। अगर तुझे हमारी परवाह नहीं तो शौक से जा, हम सब जाके डूब मरेंगे किसी के लिए। माँ चलो बच्चे। डूबने से क्या मिलेगा समधन? मोहन इस पार रहे या उस पार रहे, आई हुई लक्ष्मी को माथे से लगाओ, स्वीकार करो, नमस्कार करो। अरे तुम चाहो तो मैं अपने रघुनंदन को तुम्हारे पास रख दूंगा। आया के लोभी, तू क्या जाने माँ के दिल को, माँ की ममता को।
ले जा अपने कुलनंदन को, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी। अरे ना करे तो ना करो, लाइन लगी हुई है अपने घर में बेटी वालों की। हाँ पिताजी, पिताजी उस दिन तो जेब नहीं कटी, आज कट गई। कट गई? हाँ, किसी ने रुपए निकाल लिए। रुपये निकाल लिए? अरे मैं मर गया, अरे मैं लुट गया। अरे लुटने से तो हम बच गए। ये ले बिस्तरा, ये ले पेटी, देखता क्या है, दबा हो जाया। पिताजी भैया वो रेल का भाड़ा तो दे दे। रेल का भाड़ा आप तो चंदी सर भेजे, वो आपको गार्डन ही मिलेंगे। सगाई से पहले तन्हाई न बुलाया। हाय रे, इतनी बेताबी। पंडित जी आप गठबंधन कीजिए। गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी।
अरे वो राय साहब भी कितना नाड़ी है, पिछाड़ी का चिट्ठा देखा नहीं और मोहन से बेटी भी आने को तैयार हो गया। चलो रामदास, हम भी देखेंगे कि ये सगाई कैसे है। चलिए बाजी। मां, भगवान के लिए वहां ना जाओ, राय साहब बड़े आदमी है, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको भी तो बदनाम हो जाएगा, बेचारी राधा का दिल टूट जाएगा, उसकी खुशियाँ लुट जाएगी। आए हाय, तेरी अकल मारी गई है क्या? उसकी खुशी के लिए तेरी खुशी लुट जाने दे, उसका दिल जोड़ने के लिए तेरा दिल तोड़ दे। वाह, चलो माँ। नहीं माँ, माँ मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। क्या कर रही है? दीदी मत जाओ, दीदी मैं तुम्हारे पाँव। माँ, वचन दो कि सच्चाई को सुनकर तुम हिम्मत से काम लोगी। हाँ हाँ, मैं बुरी से बुरी बात को भी सुन लूंगी, सह लूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले शादीशुदा हूं। तुम ठीक हो ना दादा? धिक्कारो, जितना चाहो धिक्कारो, मैं इसी लायक, लेकिन मुझे खुशी है तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। हाँ, तुम खुश हो इसलिए कि तुमने बड़ी आसानी से मुझ पर इतना बड़ा वार कर दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किस मासूम दिल के साथ खेल रहे हो। हे भगवान, मेरी बीमारी मुझे लौटा दे ताकि मेरे दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। ऐसा मत कहो राधा, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश में अपना जीवन लगा दूंगा। खामोश! तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना चाहती। लोग गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ आपके मोहन की नहीं हमारे मोहन बाबू की सगाई हो रही। अरे हमारा भी वही मोहन है और तुम्हारा भी वही मोहन है, दोनों का मोहन एक ही है। एक मोहन से दो मोहन बनाकर बहन से भाई को छीनना चाहते हैं, माँ से बेटे को अलग करना चाहते हैं और 2 लाख रुपए की रिश्वत देकर पत्नी से पति को जुदा करना चाहते हैं ये जालिम राय साहब। देखो जी, मुंह संभाल कर बोलो। बोलना, हमें लगता है कुछ गलत फहमी हो रही है, राधा और मोहन बाहर गए हैं, अभी आते होंगे, तब तक आप आराम से बैठिए। मुझे तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। ऐसा न कहो बेटी, ये साहब कह रही तो चलो मोहन के आने तक बैठेंगे। चलो देवी, भाभी आत्महत्या करने गई। आत्महत्या? प्राणनाथ, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे भूल जाना और राधा बहन को खुश रखना। माँ तुम्हें जरूर मिलेगी गुड्डी, जरूर मिलेगी। रो मत, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। चलो you
तुमने इतना किया है, इतना और करने की दया करो कि ये बूढ़ा जिंदगी के और दुख सहने से बच जाए। नहीं राय साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया, परमात्मा के लिए इस रिवॉल्वर का निशाना मुझे बनाइए, मुझे शूट कीजिए राय साहब, शायद मेरे खून से मेरा गुनाह धुल जाए। बंद करो अपना ये फरेब भरा नाटक। उपहर्ष धोखे बाद इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त का बांध टूट कर वहशत में बदल जाए, दूर हो जाओ हमारे सामने, दूर हो जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी, माता हमारी बच्ची, अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएं? इस स्वार्थी राक्षस ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दी। नहीं नहीं डैडी, इन्हें दोष न दीजिए, ये तो भाग्य ने हमारे साथ नाटक खेला। अगर मोहन ऐसे होते तो हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सचमुच धूल में मिल जाती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ डैडी, पहले मैंने भी इन्हें गलत समझा था, इनकी इंसानियत की ऊंचाइयों को मैं बाद में पहचान सकी। जो विश्वास आपने इन पर किया था, जो आजादी मैंने इन्हें दे रखी थी, इन्होंने कोई बेजा फायदा नहीं उठाया इसका। मैंने कई बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन ये अपना हाथ हमेशा पीछे ही खींचते रहे। इंसानियत और शराफत की ऐसी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले इन्होंने बीमारी से मेरे जीवन की रक्षा की और आज खतरनाक गुंडों से मेरी जान बचाई। खतरनाक गुंडों से? हाँ डैडी, और भगवान ने इनके इस उपकार का थोड़ा सा बदला चुकाने का मौका मुझे भी दे दिया, इस देवी के प्राण बचाकर। शोभा, हम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे तुम जैसी सहेली मिली और तुम्हें मोहन जैसे पति। ये तो अपनी अपनी किस्मत है राधा देवी, उस बांटने वाले ने किसी को फूल दिए तो किसी को कांटे, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को चलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। बेटा मनोहर, तुम कब आए? उल्टा माफी मांग रहा? अरे मेरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं तूने अपने जीने की राह ढूंढने में मेरे जीने के लिए दो दो राहें पैदा कर दी। मेरे भाई को सुधा के रूप में सुंदर सी जबान देने। जीते रहो। सुधा। नमस्ते। जीते रहो बेटा। और जिस राधा के लिए मैं एक नया दिल ढूंढने गया था, उस राधा के दिल को तुमने खुशी दी। मनोहर, तुम राधा के लिए नया दिल ढूंढने गए थे? हाँ राय साहब, शायद राधा भी नहीं जानती कि कॉलेज के जमाने से अमेरिका तक मेरी शायरी का मजमून सिर्फ आप ही नहीं है। अच्छा, तो अब मालूम हुआ कि जनाब दिल के आईने में किसकी तस्वीर गर्दन झुकाकर देखा करते थे, लेकिन अब तो गर्दन उठाकर देख सकता हूँ। अब तो जनाब का हिसाब किताब खुल गया राय साहब, इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए राधा का क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। और सुनिए राय साहब, आपका बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से मुझे ये कहने का 50% हक हासिल है कि राधा की शादी मनोहर के साथ कर दी जाए। हमें कोई एतराज नहीं अगर राधा बेटी की भी यही खुशी हो। इसमें राधा देवी को क्या एतराज हो सकता है? हाँ राय साहब। वाह साहब वाह, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, खुद ही गवाह खुद ही मुझसे बड़ा फैसला कर लिया। आप लोगों ने मुझे कोई लॉलीपॉप समझ रखा है कि जिस बच्चे ने रोकर जिद की उसी को दे दिया? और जनाब शायर साहब, आपको अमेरिका में तो कोई नया दिल मिला नहीं, अब अफ्रीका के जंगल में जाइए, वहां शायद किसी गुरीला खानदान में मिल जाए आपको, यहां नहीं। ऐ दुश्मने तमन्ना, ऐ दुश्मने तमन्ना, इसका जवाब दे दे, ये हां बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर।
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। से उसके जाए बाहर बड़ी मस्त